नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये दो कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले। ये दो कलर हैं हमारे, ये येलो और पर्पल और एक लाइट पर्पल है, दोनों दो ही कलर से मैंने बनाए। और ये देखिए, मैं आपको ये 8 फंदे मैं इसे नीले कलर से डालूंगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे मैंने ये नीले कलर से डाले हैं। और 8 फंदे अब हम पीले रंग से डालेंगे इस तरह से। इस धागे में हम 8 फंदे डाले हैं और ये देखिए, अब हम 8 फंदे पीले रंग से डालेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 फंदे हमने पीले रंग से डाले हैं। तो ये हमारे 16 फंदे हो गए, 8 फंदे इस फंदे के, 8 फंदे। अब हमने 16 फंदे अब हमें ये दो रंग से डालने हैं। तो अभी हमने ये डालने के बाद में अब हम इस पे ये पर्पल कलर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए 16 फंदे हमें डालने हैं, तो इसी तरह से हम धागा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से अब ये दो फंदे इससे डालेंगे, 1, 2, ये दो फंदे हमने डाले। अब दो फंदे अब हम पीले रंग से डालेंगे। तो ये हमने 1, 2 फंदे हमने डाले, तो हमारे ये 4 फंदे, 4 हो गए हैं। अब दो फंदे फिर डालेंगे इससे, 5, 6, फिर दो फंदे, 7, 8, 8 फंदे डाल दिए, 8 फंदे और हमें डालने हैं। इसी तरह से 8 फंदे हम और डालेंगे और ये हमने 16 फंदे डाल लिए हैं ये दो कलर से। ये देखिए 4 हैं, ये हमने पूरे टोटल हमारे ये 32 फंदे पड़ गए हैं। 8 फंदे से ये ब्लू से, 8 फंदे येलो से और ये दो दो करके, दो ब्लू दो येलो दो ब्लू कैसे करके हमने ये 16 फंदे डाल दिए हैं। अब हम सलाई यहीं से पलट के, ये देखिए सीधी, ये अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पहली सलाई और ये हम उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और इसको धागे को ऐसे घुमा के इस तरह से लेंगे। ये देखिए, और ये दो फंदे हम पीले वाले पीले से भी लेंगे। ये देखिए इस तरह से, अब इस धागे को ऐसे करेंगे और अब हम नीले वाले फंदे नीले से भी लेंगे। ये देखिए, नहीं फिर धागा ऐसे, इसको हम लू धागे को ढीला रखेंगे, टाइट करके नहीं बिनेंगे, लूज धागे से बिनेंगे। और ये दो फंदे पीले पीले से बिन लिए और ये नीले वाले नीले से। ये देखिए, अब हमारे ये पीले फंदे हैं, इनको हम पीले रंग से बिनेंगे। और ये देखिए, हमने ये पीले फंदे पीले से और नीले फंदे नीले से, इसी तरह से हम जो जैसा कलर है इसी तरह से बनाएंगे और ढीला ढीला बिनेंगे, टाइट हमें नहीं रखना है, नहीं तो हमारी यहाँ पे डिजाइन सिकुड़ जाएगी, जो देखने में डोरमेट हमारा अच्छा नहीं लगेगा। और इसी तरह से हम ये पूरा बिन लेंगे। अब ये देखिए, हमने बिन लिया, अब हमारे यहाँ पे ये पीले फंदे हैं, तो इन धागों को अब हम पीले वाले पीले से बिन लेंगे पूरा टोटल। ये देखिए इस तरह से हमने पीले वाले पूरे हमने पीले से बिन लिए। ये देखिए इस तरह से बिन लिए। अब हम ये नीले फंदे हैं, इन फंदों को हम नीले से, इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके, अब हम यहाँ पे हमारा ये जोड़ है तो इसको हम टाइट बिनेंगे इस तरह से, पूरा जो जैसा कलर है वैसे बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बना लिए और दो फंदे हम छोड़ देंगे धागा यहीं से पलट के। अब हम सीधी साइड में आएंगे और सीधी साइड में देखिए जो जैसा कलर है हमें वैसे बनाना है। ये नीले फंदे पूरे नीले से हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से,
ये देखिए हमने नीले वाले सारे फंदे नीले से बिने, धागा पीछे करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम ये पीले वाले फंदे पीले रंग से बनाएंगे। अब ये देखिए हम इस धागे को ऐसे करके इसमें हाथ में पकड़ेंगे और इसको टाइट करके लाएंगे और यहाँ पे अब हम ये फंदे पीले वाला ऐसे बिनेंगे। ये हमें टाइट बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे हमारी डिजाइन एकदम खिंची खिंची रहेगी। और इसको ऐसे दोनों धागों को ऐसे खींच देंगे और सभी फंदे ये पीले वाले पूरे हम पीले से बिनेंगे। इसी तरह से ये हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पीले वाले हमने पीले से बिने। अब इस धागे को पीछे करेंगे और इसके बाद में ये हम पहला जॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको भी हम टाइट करके इस तरह से इसे खींच के लाएंगे और टाइट बनाएंगे इस तरह से। और ये फंदा ये देखिए ये हम बिन लेंगे इस तरह से धागा पीछे। अब ये इसको हम खींचेंगे और अब लूज रखेंगे और ये दो फंदे अब हम पीले वाले पीले से बनाएंगे, धागा पीछे और इसको लूज ढीला लाएंगे और ये पर्पल ले ये इस तरह से ये बनाएंगे, फिर धागा पीछे, फिर इसको ऐसे इसी तरह से अब हम ये देखिए फिर धागा पीछे करेंगे और इसको ढीला ढीला ही बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये देखिए इसको फिर इस तरह से इसको ऐसे लाएंगे लूज और ये इस तरह से। और ये दो जो जैसा कलर है हमें सीधी सिलाई वैसे ही बना के कंप्लीट करनी है। फिर इसको हम ऐसे लूज लाएंगे, ये देखिए पूरा ये धागा पीछे, फिर इसको ऐसे इसी तरह से हमें ये पूरा सिलाई हम बना के कंप्लीट करेंगे। धागा पीछे फिर धागा आगे, ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई हमारी पूरी जो जैसा कलर है हमने वैसे ही बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से आएंगे, ये देखिए सीधी उल्टी सिलाई में, सीधी सिलाई हमने पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी साइड में ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे इस तरह से और ये एक फंदा हम ये देखिए बिन लिए। और अब ये हमारा पहला जॉइंट होगा, इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके बिन लेंगे। ये जहाँ पे हम पहली बार जॉइंट करेंगे वो हमें टाइट रखना है। फिर अब इसको हम इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पे हम ढीला ही बिनेंगे, लूज धागा रखेंगे, ये देखिए इस तरह से बिना। अब इस धागे को ऐसे इसको लूज लाएंगे और ये पर्पल वाले पर्पल से और इस धागे को ऐसे येलो वाले येलो से इसी तरह से ये देखिए हम पूरी लाइन ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए इन फंदों को ऐसे ही बनाए। अब हमारे इस धागे को ऐसे ये देखिए अब हमने पूरा बना लिए, ये 16 फंदे ऐसे ही। अब हमारे ये फंदे हैं, ये फंदे येलो वाले पूरे येलो से बिनेंगे मगर ये यहाँ पे अभी लूज रखेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड में ऐसे लूज हैं, सीधी साइड में हम यहाँ से जब जोड़ेंगे तो टाइट रखेंगे। और ये सारे फंदे अब हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए पूरे फंदे पीले वाले हमने ऐसे उल्टे उल्टे बिन लिए। अब हमको इस धागे को ये देखिए इस तरह से ऐसे करना है और इसको टाइट करके हम ये ऐसे बिन लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और सभी फंदे हमें उल्टा उल्टा बिनने हैं, ये देखिए उस बार हमने दो फंदे छोड़े थे और इस बार दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, तो अभी हमारे ये चार फंदे छूट गए। धागा पलट के सीधी साइड, सीधी साइड में पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है। मैं एक बार ये जॉइंट बताती हूँ किस तरह से करना है। ये दो ये ब्लू वाले फंदे हमने ब्लू से बिन लिए इस तरह से। अब हमको यहाँ पे येलो जॉइंट इस धागे को ऐसे करेंगे, इस हाथ में पकड़ेंगे और इसको टाइट करके ऐसे खींच के लाएंगे। हमें यहाँ पे टाइट बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये डिजाइन यहीं पे खींच जाएगी जो अलग अलग सी दिखेगी। ये देखिए इस तरह से और इसको भी टाइट कर देंगे, दोनों तरफ का धागा खींच के पूरा ऐसे ही बनाएंगे। अब हमें सेम ऐसे ही बनाना है पूरा, जो जैसा कलर है सेम इसी तरह से जैसे हमने पहली सिलाई कंप्लीट की है इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, तो ये पहला फंदा उतारेंगे, हर बार इस धागे को ऐसे करेंगे और ये एक फंदा बिन लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ये पहला जॉइंट करना है इस धागे को ऐसे और इसको टाइट करके अब हम ये दो फंदे
ये पर्पल कलर से बीन लेंगे। ये धागे ऐसे, फिर ये पीले वाले पीले से और ये पर्पल वाले ये पर्पल कलर से बीनेंगे। देखिए जो जैसा कलर है ये धागे से हमें ऐसे ही बनाने हैं। धागे को ऐसे, तो ये हमारी एक सर्कल में पट्टियां आने लगेंगी। ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे फंदे जो जैसे कलर के हैं बना लिए। देखिए इस तरह से हमारी ये लाइन आएंगी चारों तरफ। और इस धागे को अब हमें इसको टाइट नहीं करना है, इसको लूज रख के ही ये फंदा बिनना है। ये फंदे हम पूरे ऐसे बिनेंगे, पूरे येलो वाले फंदे येलो कलर से बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके हम ये फंदे इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब हमने दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे और सीधी सिलाई पूरी, ये देखिए सीधी सिलाई जो जैसा कलर है वैसे बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली जो जैसा कलर है। अब हम फिर उल्टी साइड में आ गए और ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये बिन लिया। अब इस धागे को ऐसे टाइट करके, इसको टाइट करके हम ये पर्पल फंदे बिन लिए। ये धागा ऐसे, अब हमें लूज लूज बिनना है, सारे फंदों को भी हमें ढीला ढीला ही बिनना है इस तरह से, नहीं तो हमारी ये डिजाइन खिंच जाएगी और डोरमेट अच्छा नहीं आएगा। और जो जैसा कलर है सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है, ये पीले वाले पीले से, बैंगनी वाले बैंगनी से, इसी तरह से ये हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए अब ये दो फंदे इस तरह से बनाए, धागा ऐसे, और ये देखिए ये सारे फंदे हमने जो जैसा कलर है वैसे ही बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से डिजाइन हमारी आ रही है। अब हम ये पीले फंदे हैं, इन सारे फंदों को अब हम पीले रंग से बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को हमने इस तरह से बिन लिया उल्टा उल्टा। ये देखिए पीले वाले, अब दो फंदे हमें ये छोड़ने हैं पर्पल के, तो हम यही छोड़ेंगे और ऐसे ही सिलाई इस तरह से पलट लेंगे। अब हम सीधी साइड में आ गए, तो अभी सीधी साइड में हमको क्या करना है, इस धागे को ऐसे पकड़ना है इस हाथ में और इसको नीचे से ऐसे खींच के लाना है, नहीं तो ये ऐसा नहीं करेंगे तो बीच में जाली पड़ जाएगी। और ये पूरा फंदा ये देखिए इस तरह से हमको टाइट करके उल्टा बिन लेना है और दोनों को हमें टाइट रखना है, इधर भी और ये पीछे वाले धागे को भी खींचना है और आगे वाले को भी टाइट बिनना है। और सभी फंदों को अब हम इसी तरह से सीधी सिलाई पूरी जैसी है वैसे ही बनाना है, पीले वाले फंदे पीले से और ये दो कलर के फंदे हम दो कलर से ही बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये सभी बिन लिए इस तरह से, धागा पीछे करेंगे और इसको टाइट करके, ये देखिए इसको इस हाथ में पकड़ेंगे और इसको, ये देखिए इसको टाइट करके आगे लाएंगे और ये दो फंदे हम फिर से उल्टे बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे जॉइंट है इसलिए हमें हर बार इसी तरह से टाइट बनाना है और दोनों तरफ से खींच के रखना है, तभी हमारा जोड़ एक जैसा आएगा। और पूरी सीधी इसी तरह से, और ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे बनाएंगे उल्टी साइड में, इसी तरह से दो दो फंदे छोड़ते हुए हम पूरे पीले फंदे छोड़ देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने ये दो दो करके पूरे फंदे छोड़ दिए, अब हमको यहाँ फंदे छोड़ने हैं इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये दो फंदे एक बिन लिया। अब इस धागे को ऐसे और इसको टाइट करके बिनेंगे, ये देखिए इस तरह से पीला वाला पीले से बनाएंगे। और ये देखिए ये नीला फंदा नीले से जो जैसा कलर है हमको सेम इसी तरह से ये उल्टी साइड में भी उसी कलर से बिनना है। और इसको इस तरह से धागे को इस तरह से ऐसे ही रख के बनाएंगे, ये देखिए। और ये अभी हमने पीले पूरे फंदे छोड़े हैं, अब हमको ये पर्पल का फंदा छोड़ना है, तो इस धागे को यहीं से पलटेंगे इस तरह से। ये देखिए अभी हमने ये सारे फंदे यहाँ के पूरे छोड़ दिए, अब यहाँ से पलट के सीधी साइड, अब सीधी साइड में यहीं से, अब हमारा ये दूसरा कोई कलर नहीं है इसलिए हमको ऐसे ही बनाना है, ये इस तरह से हम पूरा ऐसे बनाएंगे और इसको टाइट करेंगे और ये
पीले वाले पीले से, जो जैसा कलर है सेम उसी तरह से अब हम बना के रिपीट करेंगे। ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही हमें बनानी है जो जैसा है। ये देखिए इस तरह से, अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली जो जैसा कलर है। अब हम फिर से उल्टी साइड में पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये दो फंदे, एक फंदा हमने ये पीला से बुन लिया। ये देखिए इस तरह से बुनते हैं तो ये किनारी हमारी एकदम ये चेंज जैसी बनती है, जो किनारे एकदम बॉर्डर बहुत अच्छे से आता है किनारी। इस धागे को ऐसे और इसको टाइट करके ये बुन लेंगे। ये देखिए अब इस धागे को अब ढीला से ढीला ढीला ही बुनेंगे सबको, नहीं तो हमारी ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए सभी फंदे जो जैसा कलर है हमें वैसे ही बनाना है। ये धागा ऐसे, इसको हम ढीले ही धागे से बनाएंगे, यहाँ की डिजाइन पूरे ढीले ढीले। अब ये दो फंदे हमने उस बार यहाँ से छोड़े थे, अब ये दो फंदे ये पर्पल के छोड़ देंगे, धागा यहीं से घुमा के पलट लेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसी ही बना के कंप्लीट करेंगे जो जैसा कलर है। इस धागे को इस तरह से इसको टाइट करके आगे लाएंगे। ये देखिए और इसको पीछे, अब इसको खींचेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पहला जोड़ मैंने लगाया। इस धागे को ऐसे करके अब ढीला ढीला ही रखेंगे, अब ये ढीला ढीला बिनेंगे। इस धागे को पीछे, इसको ऐसे लूज करके, अब सभी धागे ऐसे लूज करके बनाने हैं। अब ये देखिए सीधी सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली। अब फिर उल्टी साइड, तो ये पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये एक फंदा हमने बुन लिया। अब इसको टाइट करके इसको ऐसे बुन लेंगे टाइट, और इसको भी हम टाइट कर देंगे क्योंकि ये हमारा पहला जोड़ है। और अब इसको लूज रखेंगे, इसको ढीले ढीले, अब सारे फंदे हम ढीले ढीले बनाएंगे इसी तरह से। ये सारे फंदे हमें ढीले ढीले बनने हैं। अब ये देखिए उस बार हमने पीला फंदा छोड़ा था, अब ये दूसरा ये छोड़ देंगे अब हम पर्पल वाला। अब सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई फिर कंप्लीट कर ली, फिर उल्टी साइड में पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इसको हम ऐसे उल्टा दो फंदा एक फंदा बिन गया। इस धागे को ऐसे टाइट करके अगला फंदा इस तरह से बिनेंगे। ये अब दो फंदे फिर जो जैसा कलर है वैसे ही बिनना है, दो पीले से और दो नीले से इस तरह से। फिर दो फंदे, अब ये हम पीले वाले दो फंदे पीले वाले छोड़ देंगे, उस बार हमने ये बैंगनी छोड़े थे अब पीले छोड़ देंगे। और पलट के सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही कंप्लीट करना है जो जैसा कलर है। ये देखिए इस तरह से, अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी ऐसी कंप्लीट कर ली जो जैसा कलर है। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, उल्टी साइड में अब ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा आगे और एक फंदा हमने बीन लिया। अब इसको टाइट करके हम ऐसे बीन लेंगे, एक ये दो फंदे बीन लिए। अब ये दो फंदे पीले वाले पीले से ढीले ढीले बनाएंगे, ढीले ढीले। फिर ये दो फंदे पर्पल से, उस बार हमने ये फंदे छोड़े थे, अब ये दो फंदे पीले के छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलट के ये देखिए सीधी साइड पूरी ऐसे ही ये पर्पल वाले फंदे ये बिन लिए, धागा पीछे और इसको अब टाइट करके बनाएंगे इस तरह से ऐसे। तो ये दो फंदे हम टाइट बिनेंगे, धागा पीछे, अब इसको लूज लाएंगे और ये दो फंदे हम इसके ये धागा पीछे और इसको अब हम इस तरह से दो फंदे ये उल्टे बना दिए। ये देखिए इस तरह से, अब हम पलट के फिर सीधी साइड में ये पहला फंदा उतारा और धागा किया और ये देखिए इस धागे को ऐसे फिर टाइट करके ये दो फंदे इस तरह से बुन लिए। अब ये दो पीले हम, उस बार हमने ये पीला छोड़ा था अब ये पर्पल छोड़ेंगे, तो अभी हमारे पास छह फंदे रह गए हैं। इन सभी फंदों को ये देखिए इसी तरह सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाना है, ये देखिए जो जैसा कलर है। और ये सारे फंदे हम छह फंदों को छोड़ देंगे इसी तरह से, हर लाइन में
दो दो फंदे हमें छोड़ने हैं। इधर ऐसी की थी, अभी हमने, अब हमको देखिए छह फंदे हमारे बचे थे, तो अब हम चार फंदे बिनेंगे इस धागे को। ऐसे ये दो, इस धागे को ऐसे टाइट करके ये दो फंदे अब हम चार बिनेंगे। तो अभी हमने दो पीले बिन लिए और ये दो पर्पल लिए, और यहीं से धागा पलट के फिर सीधी साइड, ये देखिए सीधी साइड आ गए, और सीधी साइड पूरी ऐसे ही, ये दो फंदे इनको हम पर्पल से, फिर इसको पलटेंगे इस तरह से, ये देखिए इसको इसको ऐसे टाइट करके अब यहाँ पे हम टाइट बनाएंगे। दो फंदे हैं, अब ये दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, ये देखिए कर दिया, धागा पलटेंगे। अब हमें पीले ही बिनने हैं दो फंदे, ये देखिए इस धागे को ऐसे घुमाएं, और एक ही फंदा है इसको हम ऐसे बिनेंगे, यहीं से पलट के फिर ये देखिए सीधी साइड आएंगे, और ये देखिए हमने इस तरह से ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। और यहाँ हमने दो दो फंदे छोड़ते हुए यहाँ लास्ट तक फंदे छोड़ दिए हैं। अब हमारी एक कली, अब दूसरी कली हम सेम रिपीट करेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए हम दूसरी कली किस तरह से बनाएंगे, अब ये देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हुई, अब पूरी एक कली बन गई। अब दूसरी कली स्टार्ट करने के लिए अब ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे, इसको हम ऐसे बिनेंगे, फिर इसको ऐसे करके टाइट करके ये पर्पल वाले पर्पल फंदे, और इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको ढीला रखेंगे, और ये दो फंदे ये पीले वाले पीले से, फिर इसको इस धागे को ऐसे करेंगे और ये दो फंदे इस तरह से, इसी तरह से हम सारे फंदे बनाएंगे। ये देखिए जो जैसा कलर है वैसे कलर में हमें ये बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए ये दो फंदे ऐसे, इस धागे को ऐसे, ये देखिए हमने ये सारे फंदे बिन लिए जो जैसे। अब ये पीले फंदे हैं, इन सारे फंदों को अब हम पीले रंग से बनाएंगे, लास्ट पीले वाले पूरे फंदे अब हम पीले रंग से बिनेंगे उल्टा उल्टा, ये देखिए इस तरह से। अभी हमने सभी फंदे पीले वाले पीले से बिन लिए इस तरह से, ये देखिए हमने सारे फंदे बिन लिए। इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके अब हम ब्लू वाले सारे फंदे, ये देखिए यहाँ लास्ट तक बिन लेंगे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे ब्लू वाले सारे फंदे बिन लिए जो हमारे ये फंदे थे। अब हम सीधी साइड में आ गए, सीधी साइड में ये देखिए हम किस तरह से बनाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे, इसको टाइट करके अगला फंदा बिन लेंगे, इसी तरह से हम बनाएंगे। तो हमारा ये बीच का सर्कल बहुत छोटा और सफाई से बनेगा, और डोरमेट भी अच्छे से आएगा, उसमें झोल नहीं आएगा करेंगे। और सीधी सिलाई में जो साइड में आएंगे तो दो फंदे हम ये पर्पल के छोड़ेंगे, इसी तरह से दो दो छोड़ते हुए तो पूरे पर्पल के छोड़ देंगे, फिर येलो छोड़ेंगे, फिर ये दो दो फंदे, दो एक बार में ये पर्पल, एक बार में येलो, एक बार में पर्पल, ऐसे करके सारे फंदे छोड़ेंगे। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे तो ये हमारा बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा डोरमेट बनाया है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा सर्कल में डोरमेट बन के तैयार होगा। नमस्कार।